उपासना, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। तो देखिए, उपास का टाइम चल रहा है, तो हम बनाने वाले हैं साबूदाने का मस्त चीला और साथ में हरी हरी चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी ऐसी रेसिपी आपके साथ मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना का चीला। तो इसके लिए मैंने एक कप साबूदाना रात को भिगा के रख दिया था। तो इसमें मैं डालूंगी कुछ हरे फ्रेश धनिया, यानी कि कोरिएंडर लीव, और यहीं पे मैंने कटी हुई हरी मिर्च ले लिया है, तो कुछ अपने अनुसार ले लेना है टेस्ट के अनुसार। आप चाहे तो जीरा को भून के भी डाल सकते हैं। और यहीं पे मैंने उपास का नमक ले लिया है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक ले लेना है। और यहीं पे मैंने यहाँ पे ये स्वीट पोटैटो ले लिया, इसे मैश करके डालना है, यानी कि रतालू है ये, तो इसे अच्छे से मैश कर लेना। आप चाहो तो क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से फोड़ के डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 3 स्वीट पोटैटो ऐसे हाथ से फोड़ के डाल रही हूँ। तो यहीं पे मैंने ये सिंगदाना का पाउडर बना लिया, यानी कि सिंगदाने को भून के इसका मैं 3 चम्मच इसमें, यानी 4 चम्मच ये पाउडर डाल दी हूँ। ये सिंगदाने को मैंने भून लिया था, उसे पीस के फिर इसका पाउडर बना लिया था। अब इसे मैं अच्छे से इसे मैश कर लूँगी, इसका मिश्रण एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। साबूदाना तो वैसे बहुत चिपचिपा रहता है, लेकिन कुछ देर इसे ऐसे ही मलते रहेंगे तो इसका डो जैसा तैयार हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही मिक्स कर लेना है। थोड़ा और डालना पड़ेगा इसे, इसकी कोटिंग करने के लिए, ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमें अच्छे से डो बना लेना है, ताकि चीला अच्छे से बने। तो ये बहुत प्रोटीन से भरपूर रहता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अब इसे सो फ्रेंड्स, प्लास्टिक के शीट पे मैंने हल्का सा यहाँ पे तेल लगा दिया है, तेल से इसे ग्रीस कर लेना है। फिर ये जो अपना साबूदाना का बैटर है, इस पे रख देना है और ये प्लास्टिक शीट से इसे कवर कर देना है, कुछ इस तरह से इसे कवर कर देना है और बेलन की मदद से इसे बेल लेना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल दिया है, तो ये प्लास्टिक की शीट्स को अलग कर देना है और हल्के हाथों से इसे तवे पे डाल देना है। तो यहाँ पे हमें तवे पे थोड़ा सा तेल लगा लेना है और उसी पे इस चीले को डाल देना है। हल्के आंच पे इसे सेकना है फ्रेंड्स, आंच को तेज नहीं करना है, इसका फ्लेम हमें लो कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसकी साइड की एजेस है थोड़ा अलग कर लेना है और इसे धीरे से पलट देना है। हो गया है तो डोंट वरी, इसे अच्छे से फिर से इसमें चिपका देना है। तो ये हमारा साबूदाना चीला तैयार हो चुका है। तो इसे पलटे की मदद से हल्का हल्का इसे दबा देना है। तो ये साबूदाना पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ऐसे दबा देंगे ताकि आंच इसके अंदर तक घुस जाए, यानी लग जाए, अच्छे से सिक जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना गोल्डन हुआ है। तो इसी तरह से हमें सेकना है, क्रिस्पी करारे बना लेना इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पक चुका है, तो मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी बना लेती हूँ। तो यहीं पे देखिए, दूसरा वाला भी चीला रेडी हो चुका है परफेक्टली सर्व करने के लिए। तो फटाफट अब चटनी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं चटनी बनाने वाली हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया और ये भुने हुए सिंगदाने हैं, तो इसके छिलके अलग करके इसे हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना है। तो ये हरी धनिया और ये सिंगदाना और ये उपास का नमक, यानी सेंधा नमक, तो स्वाद अनुसार इसे डाल देना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के फिर से इसका मेन पेस्ट बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, साबूदाना का चीला तैयार हो चुका है और इसे हरी हरी चटनी के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, खा के एकदम मजा ही आ जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। चटनी भी तैयार हो चुकी है, अपना नाश्ता भी तैयार हो चुका है।
तब ये खाने के लिए सर्व कर देती हूँ फटाफट। अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो क्या करना है, एक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखे अपना ध्यान, बाय। टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वाह बहुत टेस्टी लग रहा है। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं, देखो कैसे खा रहे हैं, कितना अच्छा बना है ये वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो।